नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चाणक्य यह चाणक्य पुत्र थे। बचपन में इनकी दांत को देखकर किसी ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि यह भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। तब इनकी माँ को चिंता हुई कि यह मुझको छोड़कर चला जाएगा। अपनी माँ की दुविधा को दूर करने के लिए इन्होंने अपने दांत को तोड़ दिया ताकि उनकी माँ को ऐसा महसूस न हो। लेकिन भविष्य को तो कुछ और मंजूर था। यह अपनी पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे और तक्षशिला में एक आचार्य के रूप में बहुत अच्छे ढंग से ना जीवन यापन कर रहे। कुछ दिनों के बाद इन्हें सूचना मिली कि सिकंदर नाम का एक व्यक्ति जिसने पूरे विश्व को जीतने की शपथ खाई है, उसने भारत की तरफ रुख कर लिया। और भारत की तरफ रुख करने से उनको चिंता होने लगी कि यह हमारे देश की संस्कृति, सामाजिक सरोकार सबको तोड़ कर तहस नहस कर सकता है और हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके आधार पर वह इसके लिए सबसे पहले मगध के राजा धनानंद के पास गए। धनानंद क्योंकि उस समय मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध ही था क्योंकि इसकी सैन्य शक्ति और इसका बल हर चीज में सबसे 16 जनपदों में सबसे बड़ा था और यही सबका मुख्य केंद्र था जिसके आधार पर सिकंदर को हराया जा सकता था क्योंकि इसके पास सीमित संसाधन। यह जब राजा के पास पहुंचे तब राजा नृत्य देखने में व्यस्त थे, यानी भोग विलास में व्यस्त थे और इन्हें बाहर रुकने के लिए कहा गया। बाहर रुकने के लिए कहा गया। काफी देर जब नहीं आए, राजा का निमंत्रण नहीं आया, तब ये खुद गए वहां पर और राजा से बात करने लगे। तब राजा को यह समझाने लगे कि यह सिकंदर अगर आ गया पर आ गया तो अपनी भारत को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उस समय धनानंद बहुत ही भोग विलास और अपने जीवन में खुश था, लिप्त था, जिस कारण यह उनकी बात नहीं समझ सका और इन्होंने धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया और उनकी शिखा पकड़ के बाहर फेंकवा दिया, जिस कारण इन्होंने शपथ ली कि जब तक मैं तेरे साम्राज्य को उखाड़ कर किसी योग्य व्यक्ति को इस सिंहासन पर नहीं बिठाऊंगा तब तक मैं अपनी शिखा यानी कि उनकी चोटी जो पहले पुराने टाइम में ब्राह्मण लोग एक चोटी रखते थे बीच में और पूरा सिर मुंड के एक चोटी रखते थे, वो शुभ माना जाता था उनके लिए। उन्होंने वो शिखा खोल दी और शपथ ली। इसके बाद वो वहां से चले और सीधे एक घूम रहे थे तभी उन्हें जंगल में एक चंद्र नाम का लड़का एक खेल खेलते हुए दिखा जो कि राजा बना हुआ था और बाकी सब इसके दरबारी व कोई अपराधी बना हुआ था और वह अपना निर्णय सुना। उसके निर्णय करने की क्षमता, उसकी आवाज, उसका व्यक्तित्व देखकर
उन्हें उसमें एक राजा की छवि दिखाई दी। इसके लिए उन्होंने उसके माता पिता को, क्योंकि उसके पिता तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने उनकी माता को समझाया और उसे अपने साथ ले लिया, क्योंकि वो माता के कारण, माता के लिए वो बहुत दास बना हुआ था। उस दास से, दास का ऋण चुकाकर उसे मुक्त कराकर अपने साथ ले आए, और उसके बाद उसकी उन्होंने ट्रेनिंग यानी कि शिक्षा आरंभ कर दी, उसे हर चीज के बारे में अवगत कराया, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी प्रबल थी कि वह हर चीज का सॉल्यूशन उस चंद्र को देते रहते थे। इस माध्यम से निकला जा सके, ऐसे ही करके उन्होंने एक बार सिकंदर की सेना में चंद्र को नियुक्त करवाया, क्योंकि यूनान की सेना में थोड़े भारतीय सैनिकों की भी जरूरत थी, ताकि वो उनकी संस्कृति को और अच्छे से जान के उनके ऊपर अधिकार कर सके, और इसी अधिकार के लिए और प्रबल सेना की भी जरूरत थी, क्योंकि उनकी सेना में थोड़े सैनिक कम ही पड़ते थे। इस कारण वो एक नदी के किनारे रुक गए, और उस नदी के किनारे रुकने के बाद इन्होंने अपनी योजना को प्रारंभ करना स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त ने तो ऐसे ही समय गुजर चुका गया, और एक दिन विश्वास जीत कर उन्होंने खाने में कुछ विषैला पदार्थ मिला दिया, जिसके कारण यूनानी सैनिक शारीरिक रूप से बीमार पड़ने लगे, जिसके कारण उनकी सेना का मनोबल टूटने लगा, और इसने यह अफवाह फैला दी कि यह देवी प्रकोप है, जिसके कारण यह बात फैलते फैलते सिकंदर तक पहुंची, जिसके कारण वो काफी दूर से सेना लेके आ रहे थे, मैसिडोनिया वगैरह बहुत जगहों से सेना जीतती हुई आ रही थी, तो सेनाओं का भी थोड़ा अपने परिवार की तरफ जाने का मन कर रहा था। इस आधार पर सिकंदर भी कुछ दिनों से खुद भी बीमार पड़ने लगा, उस आधार पर वो वहां से चले गए। अब वहां से जाने के बाद सिकंदर की रास्ते में किसी आदिवासी कबीले द्वारा आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें सिकंदर को कोई जहरीले तीर वगैरह लगे, जिसके कारण उनकी तबीयत दिन ब दिन सिकंदर की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई, और एक दिन वह ये सब छोड़कर मृत्यु की तरफ प्रस्थान किया, और उसने कहा कि मेरे संसार जीतने से कुछ नहीं होता, मृत्यु तो अवश्यंभावी है, और मृत्यु के द्वारा अपन साथ में कुछ नहीं लेके जाते, इसलिए उसने अपने हाथों को खुला रखवाया, जिसके द्वारा लोगों को यह पता चल सके कि केवल संसार में अपन खाली हाथ ही जाते, और पूरी धीरे धीरे जवाहरात अपने जब लाश को लेके जा रहे थे तो उस स्थान पर बिछा दिए गए, ताकि उनको पता चले कि हीरे जवाहरात वगैरह कुछ भी अपन साथ में नहीं लेके जाते। इस कारण फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध पे सीधा आक्रमण करने का निर्णय लिया, जो कि उनके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ, और इनकी सेना पराजित हुई इस कारण ये वहां से भागने को मजबूर हुए। अब इनकी पराजय का कारण इन्हें
एक कुटिया के पास आकर समझ में आया, जहां पर एक माँ अपने बच्चे को भोजन खिला रही थी, भोजन खाने को कह रही थी, तो बच्चा भोजन को सीधा बीच में से खा रहा था जो कि गर्म था। तब उसकी माता ने कहा, तू तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह ही कर रहा है, तू सीधे ही भोजन खा रहा, पहले साइड से भोजन को ठंडा कर और धीरे धीरे से खा, सीधे से मत खा बीच में से। तब चाणक्य को समझ में आया कि हमें पहले आसपास की कुछ सैन्य बलों को इकट्ठा करना होगा, इसकी कमजोरियों का पता लगा के फिर हमला करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने चारों तरफ से धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, असंतोषी व्यक्तियों को अपनी सेनाओं में शामिल किया, सामर्थ्यवान किया, धीरे धीरे फिर एक बड़ी सेना लेकर धनानंद पर अटैक किया, जिसके कारण धनानंद क्या हो गया, पराजित, और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन गया। अब सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य हर निर्णय में चाणक्य की सलाह लेने लगा। फिर एक बार सेल्यूकस सिकंदर के जीते हुए इलाकों को वापस जीतने आया, तब वो मगध पर भी आक्रमण करने वाला था। तब इनके पास बहुत ही सैन्य बल था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका भरपूर सामना किया और इसको पकड़ लिया गया। तब इसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और कुछ अपने जीते हुए हिस्से चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट में दे दी, जो कि आज का अफगानिस्तान वगैरह है, अफगानिस्तान वगैरह, और दो चार और हिस्से उसको सौंप दिए। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको 500 हाथी गिफ्ट में दिए, यानी कि उपहार में भेंट की। साथ ही इन्होंने एक शर्त रखी कि हेलेन से उत्पन्न पुत्र मगध का राजा नहीं होगा, बल्कि वो कोई भारतीय लड़की यानी नारी से उत्पन्न ही राजा होगा। इसके अलावा उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी एक नंदिनी नाम की लड़की से भी की, जो कि धनानंद की ही पुत्री थी, और उनसे ही उन्हें बिंदुसार नाम का एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ। और चंद्रगुप्त का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य उसकी माता मूरा के नाम पर पड़ा और इसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने जाने लगा। बिंदुसार के वहां पर भी कुछ समय तक वो प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन बिंदुसार को पता चला, किसी ने यह बताया कि उसकी माता की मृत्यु चाणक्य की वजह से हुई, जबकि ऐसा नहीं था। चाणक्य छोटी उम्र से ही चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ कुछ मात्रा में विष देते थे, ताकि विष कन्याओं का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, विष कन्याओं का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि पुराने समय में विष कन्याओं द्वारा राजाओं को मारा जाता था, तो विष कन्याओं का उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। धीरे धीरे मात्रा, एक बार धीरे धीरे उनकी मात्रा भी बढ़ा दी गई थी विष की,
एक बार जब वो मिसिलम भोजन चाणक्य ने उनके लिए तैयार करवाया था, तो गलती से चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी ने उस भोजन को खा लिया और बिंदुसार की माता की मृत्यु हो गई। लेकिन यह बिंदुसार को पता नहीं था, इस कारण उन्होंने चाणक्य को देश निकाला कर दिया। देश निकाला करने के बाद वह एक कुटिया में जाके जंगल में रहने लगे, और जंगल में किसी उनके विरोधी ने वहां पर आग लगा दी और उसके कारण उनकी ही भी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो, यह जानकारी पसंद आए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और शेयर इट। धन्यवाद।